अब हम करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये मैंने आपको बता दिया कि एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, बट हम क्या स्टडी कर रहे हैं, टू सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ध्यान से देखना कि इसकी शेप, इसका ग्राफ कैसा होता है। एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं लेवल ऑफ इनकम। आप इसको लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोले, एक ही बात है। तो लेवल ऑफ इनकम स्लैश आउटपुट स्लैश एम्प्लॉयमेंट या सिर्फ लेवल ऑफ इनकम, एक ही बात है। एक्स एक्सिस पे आ रहा है आपका लेवल ऑफ इनकम। वाई एक्सिस इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम क्या शो कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड। क्या बताया मैंने आपको, एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली लिंक विद इनकम, यस और नो? यस सर। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अजम्पशन है कि देर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, देर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो तो कॉन्स्टेंट है, अजम्पशन है कि देर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, देर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, इन्वेस्टमेंट तो कॉन्स्टेंट है। इन्वेस्टमेंट कर्व, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरी लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्टमेंट सेम रहती है और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ तो इन्वेस्ट होगा ना। अगर कोई फर्म, कोई प्रोडक्शन नहीं चल रही फिर भी एसेट्स तो खरीदने पड़ेंगे ना, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही आपको पूरा सेटअप तो लगाना ही पड़ेगा, तो वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर आपकी कोई इनकम ही नहीं है, अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो क्या आप कंजम्पशन कर रहे होंगे तनुज? नहीं सर। तो खाली पेट अच्छे से नींद आ जाती होगी। कम कर रहे होंगे सर। कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे सर। बिना कंजम्पशन के तो सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। तो कंजम्पशन इज डन और मेड इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो कंजम्पशन कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन, कि जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो हो रही होगी। तो कंजम्पशन कर्व की शेप कैसी होती है, ध्यान से देखना, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कंजम्पशन क्यों शुरू होता है ऊपर से, क्योंकि जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही होगी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस आपको बताया इंडिपेंडेंट, और यहां पे किस टर्म में बात हो रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। कह रहा है इनकम जो मर्जी हो इतना खर्चा तो आपको सर्वाइवल के लिए करना ही करना है। कह रहे पैसे नहीं है तो कहां से करेंगे, कह रहे वो आपको देखना कि पास सेविंग से करो या आपको लोन्स बोरो करने पड़े या आपको अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने पड़े, वो आपके हेडेक है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगी ही होगी। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपकी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, वो तो बात की बात है, बट जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगी ही होगी। कंजम्पशन कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट,
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। अब ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, उसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं जिसमें से एक कॉन्स्टेंट है, बढ़ क्या रहा है, कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट है, तो ईडी तो बढ़ेगा, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जाएगी, बट कितने से, जितने से कंजम्पशन बढ़ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही नहीं रही, इन्वेस्टमेंट तो कॉन्स्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़, आपकी कंजम्पशन है 50 करोड़, तो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, 100 करोड़। नेक्स्ट लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़, लेकिन अब कंजम्पशन हो गई 60 करोड़, अब आपका एडी क्या हो गया, 60 + 50 = 110, कंजम्पशन कितने से बढ़ी थी, 50 to 60 10 से, एडी कितने से बढ़ा, 100 से 110 10 से, तो एडी हमेशा उतने से बढ़ेगा जितने से आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है। तो एडी की शेप कैसी होती है, ध्यान से देखना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो कंजम्पशन कब, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसमें बस ऊपर ऐड कर दो जितनी भी आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की आप लेंथ देखेंगे कितनी आ रही है, उतने ऊपर से आप एडी कर्व स्टार्ट कर देंगे। क्या है ये, एग्रीगेट डिमांड, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, दोनों में पूरे थ्रू आउट गैप सेम रहता है, क्योंकि जो इनमें डिफरेंस है, जो गैप है वो है ही क्या, वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, तो इसलिए जो एडी विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व। आई स्ट्रेट लाइन क्यों है, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अजम्पशन है। सी यहां से क्यों स्टार्ट हो रहा है, जीरो लेवल क्यों, जीरो पे भी कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर हमने पढ़ा कि कंजम्पशन और इनकम डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन बढ़ती गई। एडी और सी की स्लोप सेम क्यों है, क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन विल बी द सेम एज चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो तो कंजम्पशन ही चेंज हो रही है, इन्वेस्टमेंट तो चेंज ही नहीं हो रही। समझ आया ऐसी शेप क्यों है, कोई डाउट, कोई डाउट अभी तक, चल सकता हूं आगे, yes. चल सकता हूं आगे, कह रहे यस, कोई डाउट नहीं है उसके लिए, नो, ओके। चल ध्यान से देखना, जो हमने करा अभी उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, बता तो दिया ही है आपको सब कुछ। टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। सिंस द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ टू सेक्टर मॉडल, कौन से दो सेक्टर, हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, थर्ड एंड फोर्थ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर नॉट डिस्कस्ड इन डिटेल। कह रहे हो गया उसके बारे में बस उतना पता होना चाहिए था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, इसके आगे हम उसकी बात नहीं करने वाले। सो इवन दो एडी हैज फोर कंपोनेंट्स, वी विल अज्यूम, हमारी अजम्पशन है, कीन्स की अजम्पशन है फॉर स्टडिंग इक्विलिब्रियम, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए अजम्पशन है कि ओनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड इन एडी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी, एडी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। जनरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी। अब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ी हमारा कंजम्पशन का खर्चा बढ़ता गया, इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट थी, क्यों थी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, सही, जीरो इनकम पे भी 20 करोड़, 100 करोड़ पे भी 20 करोड़, हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 20 करोड़ ही है। वाई, चेंज नहीं करते इन्वेस्टमेंट, हम वही रखते हैं, अजम्पशन है, अजम्पशन है कि देयर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, अजम्पशन है, ओके।
एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. जब इनकम 0 से 100 हुई, कंजम्पशन बढ़ी 40 से 120 हो गई, तृप्ति कंजम्पशन कितने से बढ़ी? 80 से. फिर 120 से 200 हो गई, कंजम्पशन बढ़ी कितने से? 80 से. ये अगर एग्रीगेट डिमांड देखें, 60 से 140 हो गया, कितने से बढ़ा? 80. 140 से 220 हो गया, कितने से बढ़ा? 80. तो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो चेंज हो ही नहीं था. ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया है, वो एबीसीडी अभी मार्क कर लेंगे, कर ही लेते हैं. आरएसटी ले रहे हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इजी रहेगा. इस पॉइंट को वो ले रहे हैं आर, रिलेट करना इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं. आप अपनी मार्किंग खुद कर सकते हैं. बोलना चाहते हो मनराज कुछ? आर एस टी ये लिया उन्होंने, ठीक है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं. ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, अज्यूम टू बी फंक्शन, ओके. पॉजिटिव कंजम्पशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन वेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो, तो भी आपकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है. देर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन वेन द इनकम इज जीरो. इट हैपेंस बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्व्स इवन इफ द इनकम इज जीरो. क्या बोलते हैं उसको? इट इज टर्म्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन. कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एस, यहां से शुरू हो रहा है कंजम्पशन कर्व, ओरिजिन से नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन. तो जो सी बार क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिनोट करने का सिंबल, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है. फिर जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, कोई टेंशन नहीं. स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है. स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एडी कंजम्पशन कर्व, इट स्लोप्स अपवर्ड्स. अपवर्ड मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम. इनकम बढ़ी 100 से, कंजम्पशन बढ़ी, बट क्या पूरे 100 से बढ़ी? 80 से. फिर इनकम बढ़ी 100 से, कंजम्पशन बढ़ी, बट क्या 100 से बढ़ी? 80 से. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी कंजम्पशन तो बढ़ रही है, बट उस रेट पे नहीं जिस रेट पे आपकी इनकम बढ़ रही है. ऐसा क्यों? खैर कुछ सेविंग्स भी तो होंगी. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी यू टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ योर इनकम, यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड. एज योर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस, इनिशियली तो मेरी इनकम ही लो थी काफी, तो जितना भी मैं कमा रहा था सारा खर्च हो रहा था, उससे ज्यादा खर्च हो रहा था, नेगेटिव. क्यों? मेरी इनकम जीरो, खर्चा 60 crores, फिर इनकम 100, खर्चा 140 crores. तो इनिशियली तो इनकम लेवल इतना लो था कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, बट जैसे 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 इनकम बढ़ती जा रही है तो मैं कुछ ना कुछ सेव करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं. कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये भी लॉ है, साइकोलॉजिकल लॉ कह रहा है. ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वी टेंड टू सेव पार्ट ऑफ आवर एडिशनल इनकम. तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है, हाउएवर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम. मतलब चेंज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन द चेंज इन इनकम. इनकम बढ़ रही है 100 crores से, कंजम्पशन थोड़ी ना 100 crores से बढ़ रही है. Why? It happens because after reaching a particular level, people start saving a part of their income. स्लोप तो कंजम्पशन कर्व क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. इन्वेस्टमेंट क्यों स्ट्रेट लाइन है? अजम्पशन है. तो इन्वेस्टमेंट क्या है? स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. इट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, इट इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. वी अज्यूम दैट देयर इज ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, देयरफॉर इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. It is
shown by a straight line parallel to the x-axis. Starting point of AD curve, AD start कहाँ से होगा? AD is equal to C plus I. तो C जितना था, उसके ऊपर आपने I और add कर दिया, तो AD कहाँ से start हुआ? Point T से. C plus I. तो zero level पे consumption थी 40, investment थी 20. तो इसका starting point क्या हो गया? 60 crores. Zero level of income पे भी AD है. कितना? 60 crores. तो AD curve, it starts from point T. Simple सी बात है. Slope of AD curve, वो exactly same है. Slope of AD curve is exactly same as the slope of consumption curve. It also has a positive slope, which indicates that as income increases, aggregate expenditure also increases. But at the same time, income जितने से बढ़ रही है, उतने से नहीं बढ़ता. Slope of AD is equal to the slope of consumption curve. क्योंकि उसी के change पे तो depend करता है. किसी का भी slope निकालते हैं, delta y upon delta x, change in the coordinate on the y axis divided by change in coordinate on the x axis, change तो same ही है. Yes or no? Change in AD upon change in income, change in consumption upon change in income, ये है slope. General formula यही होता है. तो AD चेंज हुआ 80 से, इनकम चेंज हुई 100 से, सेम है. तो दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है, दोनों की स्लोप एग्जैक्टली सेम है. क्या पढ़ा हमने? ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी.